हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इजी स्नैक रेसिपी। ये है इंस्टेंट अप्पे। अप्पे एक साउथ इंडियन डिश होती है, इन्हें हम पनियारम भी कहते हैं और इसका बैटर फर्मेंट करके बनता है, यानी कि इसका बैटर एक दिन पहले बनाया जाता है और अगले दिन इन्हें यूज़ किया जाता है। पर इस रेसिपी में हम बनाएंगे इंस्टेंट अप्पे। 10 मिनट से भी कम के अंदर इसका बैटर बनता है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप खुद ही देख सकते हैं कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कटोरी सूजी। आप कोई भी कटोरी यूज़ कर सकते हैं। उसी कटोरी में हम नाप लेंगे एक कटोरी दही। मैं यहाँ पे थोड़ी गाढ़ी दही यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए एक कटोरी है। अगर आपकी दही पतली है तो हो सकता है वो कम लगे। अब मैं एक विस्क की मदद से इन्हें मिला लूँगी। आप चम्मच से भी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। अभी बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा होगा, हमें दही से इसको पतला नहीं करना है। हम इसमें पानी डालेंगे और इसे पतला करेंगे। असल में पनियारम या अप्पे सूजी के नहीं बनते हैं, ये चावल के बनाए जाते हैं पर उसे फर्मेंट करते हैं एक दिन के लिए। पर इस रेसिपी में हम सूजी यूज़ कर रहे हैं तो हमें कोई फर्मेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना थिक है। अब मैं एक कटोरी पानी लेने वाली हूँ, पर मैं सारा इसमें नहीं डालूंगी। ध्यान रखना है पानी कभी भी एक साथ नहीं डालें और अपनी ज़रूरत के अनुसार और डालते जाइए। हमें बैटर अभी पतला चाहिए क्योंकि सूजी जैसे जैसे बैठेगी वो पानी को सोख लेगी तो वो गाढ़ा हो जाएगा बैटर। इसलिए हम अपने बैटर को अभी थोड़ा पतला ही बनाएंगे। मेरा करीबन आधा कटोरी पानी लगा है। आप अपने अंदाजे से पतला बैटर बनाने के लिए उतना पानी डालिए और ध्यान रखें पानी एक साथ बिल्कुल मत डालिएगा। ये अप्पे एक बहुत ही बढ़िया स्नैक की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत जल्दी भी ये बनते हैं और एक नई डिश हो जाएगी। बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। अब हम इस बैटर को 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि वो सूजी अब्सॉर्ब कर ले पानी को। देखिए अब 20 मिनट के बाद हमारा बैटर कुछ इस तरीके का लगेगा। सूजी ने पानी को पूरे तरीके से सोख लिया है और वो कितना गाढ़ा हो गया है, हमने कितना पतला रखा था। अब हम इसमें अपनी सब्जियां डालेंगे। मैं डाल रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर, ये एक टमाटर है, बारीक कटा हुआ एक प्याज, बारीक कटी हुई दो हरी मिर्च और मैं इसे मिला लूँगी। आप चाहें तो बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, मटर, बीन्स कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी सब्ज़ी डालिए। इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें अपना फेवरेट डोमिनोज का ओरिगानो, साथ ही मैं डालने वाली हूँ आधा चम्मच पेरी पेरी पाउडर। इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच चाट मसाला, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक करीबन आधा चम्मच और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसमें कलर कितना बढ़िया आ रहा है। सब्जियां आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और कोई भी सब्जी आप डाल सकते हैं। अब बारी आती है इन्हें पकाने की। अप्पे बनाने के लिए हमें यूज़ करना होगा एक अप्पे का पैन। ये स्पेशल अप्पे के लिए ही होता है और ये कुछ इस तरीके का लगता है। हम इसे डायरेक्ट स्टोव पर रख के ही गर्म करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चम्मच तेल। और अब अपना बैटर डालने से पहले एक फाइनल चीज़ हमें डालनी है जो कि है एक चुटकी बेकिंग सोडा, इसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा डालने से हमारे अप्पों को एक क्रंच मिलेगा, ऊपर से क्रिस्पी आएंगे और अंदर से सॉफ्ट। पर ये बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक चुटकी। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अप्पे की फिलिंग डाल दूंगी। क्योंकि बीच वाले अप्पे जल्दी बनेंगे तो हम बाहर से डालना शुरू करेंगे और बीच वाले बाद में डालेंगे। इसी तरीके से मैंने सारी जगहों पे अप्पे का बैटर डाल दिया है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का गर्म है, हमें मीडियम फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं करना है। अब हम इसको ढक देंगे और इसे पकने देंगे ताकि ये अच्छे से अंदर से भी पक जाए। थोड़ी देर के बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये साइड से पक चुका है पर सेंटर से अभी भी कच्चा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको चेक करना चाहिए तो आप साइड से उठा के देखिए। अगर इसे निकालने में मुश्किल हो या पलटने में मुश्किल हो तो मतलब ये कच्चा है और अभी आप तो देख ही सकते हैं बिल्कुल कच्चा है। तो इसलिए अभी हम इसे थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल पक चुका है। आप इसे पलटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से पलटा जाएगा और इसमें बहुत प्यारा कलर आ चुका होगा। क्योंकि बीच वाले तीन अप्पों पर डायरेक्ट फ्लेम पड़ेगा तो इसलिए वो जल्दी पकेंगे, इसलिए मैंने उन्हें पहले पलटा है।
अप्पे पलटने से पहले आप उन पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि दूसरी साइड से भी वो क्रिस्पी हो सके और उन पर अच्छा सा कलर आ जाए। सेम तरीके से मैं सारे अप्पे पलट लूँगी। आप देख सकते हैं हमारे अप्पे कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, इन पर कितना प्यारा सा ब्राउन कलर आया है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये ऊपर से और अंदर से भी अब ये पक चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस अप्पे पैन में आप सिर्फ अप्पे ही बनाएं, आप इसे मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए या फिर घी के कोफ्ते बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये शैलो फ्राई कर देता है एक तरीके से। इसे फिर से ढककर हम दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। आप उठाकर देख सकते हैं ये पक चुके हैं पूरे तरीके से। हम इन सबको उल्टा कर एक प्लेटर में निकाल लेंगे। ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रेवी बनाने की या इनको स्टर फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं इनके साथ। हर तरीके से अप्पे बढ़िया ही लगने वाले हैं। आप देखिए कितने बढ़िया क्रिस्पी हुए हैं। मैंने इसी के साथ दूसरा बैच बनने रख दिया था, उसमें सिर्फ 7 ही बन पाए थे। तो इस रेसिपी से मेरे टोटल 19 अप्पे बने हैं। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी को डबल कर सकते हैं। मैंने सेम तरीके से दूसरा बैच भी बनाया है। ये वाले कुछ ज़्यादा ही बढ़िया क्रिस्पी बने हैं। आप भी बनाइए और ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने खुद देखा इन्हें बनाना कितना ज़्यादा आसान था और ये गारंटी मैं देती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बनने वाले हैं। मैं इसे खाती हूँ खूब सारे चाट मसाला डाल के। बिल्कुल सिंपल डिश है ये, इसे बनाना बहुत आसान है पर ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अगर आप चाहें तो इसका बैटर थोड़ी देर पहले भी बना कर रख सकते हैं, बस बेकिंग सोडा आप एंड में ही डालिए। ये इतने प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे से हैं, मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। आप देखिए मेरा तो वीडियो देख के फिर से मुंह में पानी आ चुका है। मैं अपने लिए फिर से बनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप भी ज़रूर बनाएंगे। ये अप्पे ऊपर से क्रिस्प होते हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मुंह में घुल जाते हैं बिल्कुल। आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है, मन कर गया बस खाने का। ये पूरी रेसिपी आपको लिखी हुई नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर से पढ़ के इसे बना सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।